बात बढ़ते कोरोना की करते हैं। जी हां, बात प्रदेश में लगातार तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की करें तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1422 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि दो कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कोटा से 195, अजमेर से 83, अलवर से 37, बांसवाड़ा से 51, बारा से 24, बाड़मेर से 8, भरतपुर से 11, भीलवाड़ा से 26, बीकानेर से 32, बूंदी से 13, चित्तौड़गढ़ से 65, दौसा से 3, धौलपुर से 60, डूंगरपुर से 108, श्रीगंगानगर से 14, जयपुर से 188, जैसलमेर से 2, जालौर से 13, झालावाड़ से 16, झुंझुनू से 3, जोधपुर से 175, करौली से 6, नागौर से 24, पाली से 20, प्रतापगढ़ से 14, राजसमंद से 44, जबकि सवाईमाधोपुर से 11, सीकर से 14, सिरोही से 71, टोंक से 8, उदयपुर से 137 केस सामने मिले हैं। और प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,35,000 के पार हो गया है, जबकि अब तक कुल 2824 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अभी 10,484 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि 3,22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं।